हे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ आपके साथ गौरव, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक अनबॉक्सिंग तो एक्चुअली हो चुकी है, रिव्यू देने वाला हूँ MI की ईयरफोन्स का। तो यहाँ काफ़ी टाइम इनको आए हुए हो चुका है, तो मैं अब रिव्यू क्यों दे रहा हूँ ये आप सोच रहे होंगे। तो मैं आपको साथ ही बताऊँगा कि मुझे ये जो दो ईयरफोन हैं, आपने जैसा कि टाइटल और थंबनेल पर देखा, एक 699 की और एक 399 की, मुझे 148 में पड़ी है। और वो कैसे मुझे 148 में केवल मिल गई है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो सबसे पहले ये मेरा बॉक्स MI का, इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन तो मैं कर चुका था जैसा कि मैंने आपको बताया, बाकी तो उसमें इनवॉइस वगैरह है। तो ये मेरी दो ईयरफोन्स, तो ये तो अभी पैक है, ये ओपन कर लिए, ये अभी पैक है, ये मैंने ओपन नहीं किया है। तो देखिए, ये जो आती है आपकी 399 में आती है, और ये जो आती है आपकी 699, यानी कि लगभग 700 रुपये के करीब में आती है। तो साथ ही बता दूंगा मैं इसमें कि डिफरेंस क्या है, और चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया, ये मुझे केवल 148 में दोनों ईयरफोन मिली हैं, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए आप पूरा वीडियो। ये मेरे दोनों बॉक्स, तो सबसे पहले ओपन करते हैं, चलिए 399 रुपीज़ वाली। तो देखिए, यहाँ पर ये मेरी ईयरफोन है, ये आती है, आपको मिलती है 399 रुपये की। और अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको इसके लिए 50 रुपये डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा पे करना होता है। ये मिलती है मुझे 699 रुपीज़ की। तो ये आप यहाँ पर ये वाली देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं। तो इनकी साउंड क्वालिटी में क्या डिफरेंट है भाई, क्यों इस पर इतने ज़्यादा रुपए हम खर्च करें, और क्यों इस पर जो ये कम प्राइस में है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम 399 रुपीज़ वाली, ये जो रेड कलर की है यहाँ पर, और ये मेरा एक मोबाइल जिसमें मैं इसको टेस्ट करके देखने वाला हूँ कि क्या साउंड क्वालिटी और क्या फ़र्क इसमें पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। अभी तो ऐसे कवर में आने लगी है, लेकिन पहले तो ये सिंपल एक रैपर में आती थी। तो ये देखिए मेरी ईयरफोन, और बात करें अगर केबल की, तो केबल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका कॉल कनेक्ट और डिसकनेक्ट का ये बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है, 3.5 mm का जैक। और यहाँ पर ये आपके ईयर के साथ में आपको यहाँ पर दो तरह के और मिल जाते हैं ईयरबड्स, जिनको आप चेंज कर सकते हैं अगर अपने कान के अकॉर्डिंग, किसी के कान में छोटे फिट हो रहे हैं, किसी कान में बड़े। और देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं चलिए इस वाली को, तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ इसमें क्या एक्स्ट्रा दिया गया है। तो दोनों बॉक्सेस को रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा आपको दिया गया है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का कीज़, ये देख सकते हैं आप। और साथ में फिर बीच में आता है आपका कॉल, आपको बीच में मिलता है यहाँ पर कॉल पिकअप एंड ड्रॉप का की। तो यहाँ पर दो बटन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं वॉल्यूम अप और डाउन के, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके केबल की बात करें तो देखिए केबल इसका लगभग सेम ही है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ केबल को भी। देखिए सिंपल केबल में ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर नहीं है, ये केबल जो है ये एक फीते टाइप में यहाँ पर दिया गया है, और ये पूरा जो है ये रबड़ में है इसका केबल, और ये वाला जो केबल है ये फीते टाइप में है। थोड़ा इसका जो केबल है वो अच्छी क्वालिटी का है, और इसमें आपको साथ में दो चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है, वॉल्यूम अप और डाउन की, और केबल अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में, तो साउंड के लिए चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं और लगा लेते हैं मोबाइल में। तो देखिए मैं बोट के हेडफोन यहाँ पर यूज़ करता हूँ, बोट की ईयरफोन यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको बोट यूज़ करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही कंपेयर करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू बोट। और मैंने JBL भी यहाँ पर यूज़ किया है, और स्कल कैंडी भी, तो ये काफ़ी उनसे सस्ते प्राइस में हमें मिलती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सॉन्ग प्ले किया है, तो बात करें बेस की और ट्रेबल की और साउंड की, तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि 399 से प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें। और इसके लिए इसको चेक कर लेते हैं चलिए। देखिए साउंड तो मोस्टली सेम है, 19-20 का यहाँ पर फ़र्क होगा केवल, लेकिन साउंड दोनों की सेम है, अच्छी साउंड है।
हम इतनी अच्छी कंपेयर नहीं कर सकते ज़्यादा जैसे कि स्कल कैंडी से या उसके अकॉर्डिंग, लेकिन प्राइस को देखते हुए साउंड काफ़ी अच्छी है, क्लियर साउंड मिलती है यहाँ पर आपको, क्लियर बेस मिलता है और ट्रूबल्स भी आपको काफ़ी क्लियर मिल जाता है। और अब मैं जैसा कि आपको बताया, मैं बताऊंगा आपको मुझे कैसे मिली है 148 में, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो आपको यहाँ पर मेरी फ़ोन की जो डिस्प्ले दिख रही होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं जो ये जो लीड है 148 में कैसे दो मिली उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए चलते हैं एमआई के स्टोर पर। तो ये एमआई की एप्लीकेशन आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो ये MI.com एमआई के स्टोर पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर मई अकाउंट पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको टोकन मिल रहे होंगे, दिख रहे होंगे, और यहाँ पर कुछ क्लास वगैरह दिख रही होगी। तो ये आपके टोकन और क्लास क्या है और कैसे मिलते हैं और इससे आप कैसे लीड मुझे इतने की पड़ेगी। तो देखिए क्लास होती है VIP वगैरह की क्लास है, इसमें टोकन होते हैं ये। तो जब भी आप कुछ परचेज़ करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ टोकन यहाँ पर मिलते हैं, तो उस वे टोकन से आपकी ये जो क्लास है वो अपग्रेड होती है। तो अभी मैं डायमंड क्लास पे हूँ, तो इससे पहले मैं गोल्डन क्लास पे था। जैसे ही मैं डायमंड क्लास पे आया हूँ तो मुझे 1000 रुपये का जो यहाँ पर कूपन मिला था, और उससे ये मुझे ये लीड मैंने परचेज़ किए हैं 1000 के कूपन से। तो देख सकते हैं सिल्वर क्लास, गोल्ड क्लास, प्लेटिन क्लास, डायमंड क्लास। तो प्लेटिन क्लास पर था मैं, सॉरी। तो यहाँ पर आप जैसे क्लास इंक्रीज़ होते हैं तो बर्थडे गिफ्ट के लिए भी आपको वाउचर मिलते हैं और टोकन्स मिलते हैं, कूपन्स मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर रहते हैं। तो मैं भी आपको शॉपिंग दिखा देता हूँ अपनी, मैंने यहाँ से कितनी शॉपिंग करी है। तो पहले चलते हैं मैसेज पर। तो यहाँ देख सकते हैं मैसेज आपको दिख रहा होगा, ये रिसीव 300 MI VIP एक्सेसरीज़ कूपन, ये मेरा 1000 का एक्सेसरीज़ कूपन जो मैंने यूज़ किया है। ये देख सकते हैं आप नीचे, मैंने 1000 का अपना कूपन लगाया, 699 की लीड थी और लगभग 700 और 400 के हो, 1100 रुपये हो गए, 50 रुपये डिलीवरी चार्ज। तो 50 रुपये डिलीवरी चार्ज, तो यहाँ पर 148 यानी कि 1000 का कूपन लग के मुझे 148 यहाँ पर पे करने पड़े ओनली इन दो लीड के लिए। तो मैं कुछ भी परचेज़ कर सकता था, लेकिन मुझे लीड्स परचेज, ये ईयरफोन्स परचेज़ करना काफ़ी बेटर लगा। और मैंने पहले भी यूज़ की थी, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये जो ईयरफोन्स हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपको ऐप कोड मिलते हैं, नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो जब भी आप यहाँ से आपको कोई मोबाइल वगैरह या कुछ भी शॉपिंग करनी है, तो आप, मैं सलाह दूंगा कि आप यहाँ से शॉपिंग करें। इससे आपको टोकन मिलेंगे, कूपन मिलते हैं और आपकी क्लास हाई होती है और आपको काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो मैं यहाँ से ही कूपन, यहाँ से शॉपिंग करता हूँ जब भी MI की कोई चीज़ परचेज़ करता हूँ, ना कि फ़्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर जाकर। तो ये मेरा गिफ्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गिफ्ट कार्ड भी आप बना सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी भी कोई आपका सवाल है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आने वाली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।